नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। आज दिनांक 27 नवंबर 2022 को एसपी सिटी सर्वेश मिश्र थाना टूंडला में दुशाते लुटेरों को आभूषणों सहित थाना टूंडला पुलिस के द्वारा किए गए गिरफ्तार को लेकर मामला किया गया। अनावरण इसमें दो शातिर अपराधियों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: रिजवान उर्फ मुन्ना पुत्र रियाजुद्दीन निवासी तकिया, वजीर शाह हिंकी मंडी आगरा, जिस पर 33 मुकदमे पहले से विभिन्न धाराओं के अंतर्गत लगे हुए हैं। दूसरा अपराधी फरहान हसीम खान उर्फ हसीन निवासी मोती कटरा पटेल नगर थाना एमएम गेट जनपद आगरा, इस पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 18 मुकदमे लगे हुए हैं। इन दोनों अपराधियों को थाना टूंडला पुलिस ने लूटी हुई अभियुक्तों से तीन गले की चैन, एक पेंडल, पीली धातु, 14,250 नगद अवैध, एक असला, 315 बोर, दो जिंदा कारतूस, 315 बोर, फर्जी नंबर प्लेट, एक मोटरसाइकिल अपाचे सहित गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों शातिर अपराधियों को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। टूंडला की लीडरशिप में गठित टीम द्वारा एक चेन स्नेचर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम रिजवान है, दूसरे का नाम फरहान है। ये सातिर लुटेरे हैं। रिजवान के विरुद्ध कुल 35 मुकदमे हैं, जबकि फरहान के विरुद्ध 18 मुकदमे हैं। यह एक अंतरजनपदीय गिरोह है, यह लगातार सक्रिय रहा है। खास बात इसमें यह रही है कि एसओजी टूंडला ने मैनुअल सर्विलांस एवं मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस केस का खुलासा किया है। ये इसमें महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। ये दोनों जो अपराधी हैं, ये सातिर किस्म के हैं। इनके द्वारा अपराध करने का तरीका ये था कि ये अपनी बाइक से, अपाचे सफ़ेद रंग की बाइक थी, उससे ये घूमते थे। महिला जो ज्वेलरी पहने होती थी उसे अकेला देख करके पैदल चलने वाली महिला को ये टारगेट करते थे और चैन स्नैचिंग करते थे। मैं बताना चाहूँगा कि ये नवंबर माह में इन्होंने यहाँ पर तीन घटनाएं की थी, एक टूंडला में, एक थाना दक्षिण में और एक जसराना में। इसके अतिरिक्त इन्होंने एटा में भी घटनाएं की हैं, अलीगढ़ में भी इन्होंने घटनाएं की हैं। लगातार एक एक्टिव गिरोह है और इनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ जो इनके द्वारा लूटा गया माल था, जिसमें तीन चेन और एक मंगलसूत्र जो पीली धातु के थे, उनकी बरामदगी की गई है और इनके पास से एक फर्जी नंबर प्लेट और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा नाजायज असलाह भी बरामद किया गया है। इसके लिए एसएचओ टूंडला की टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर, जो बाइक मिली है, जो बाइक मिली है, वो बाइक किसके नाम पर है? देखिए, बाइक का के बारे में तो हम लोग पता कर रहे हैं, क्योंकि वो चोरी की हुई बाइक है और नंबर प्लेट्स भी उसकी बार बार ये लोग बदलते थे, चेंज करते थे, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं। शीघ्र ही उससे भी आपको अपडेट करा दिया जाएगा। सर, ये कितने लोगों का गिरोह है? दो लोगों का गिरोह है और ये सक्रिय गिरोह है। पड़ोस के जनपद में किन किन जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं और कहाँ कहाँ पर? देखिए, इनके विरुद्ध तो अधिकांश मुकदमे आपके आगरा जनपद में दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने हमारे यहाँ भी घटनाएं की, फिरोजाबाद में वहाँ भी दर्ज हैं और एटा में भी दर्ज हैं, अलीगढ़ में भी इनके विरुद्ध मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। थैंक यू।